पावर प्रॉपर्टीज आई सेल्फ मुकेश, और जैसा कि मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे ब्यूटीफुल ब्रांड सुपर लग्जरी बिल्डर फ्लोर की वीडियो टूर कराता हूँ। तो आज जो मैं आपको वीडियो टूर कराने वाला हूँ प्रॉपर्टी का, ये प्रॉपर्टी बेसिकली 500 स्क्वायर यार्ड्स 500 गज में डीएलए फेज टू में 4 BHK बनी हुई है। और प्रॉपर्टी की जो लोकेशन है डीएलए फेज टू विच इज वेरी क्लोज टू एमजी रोड, यानी कि यहाँ से इस प्रॉपर्टी से एमजी रोड जो है हार्डली 2 to 3 minutes और मैक्स टू मैक्स 5 minutes का वॉकिंग डिस्टेंस है, नॉट ड्राइविंग, वॉकिंग डिस्टेंस है। चंद्रपुर मेट्रो स्टेशन जो है हार्डली 2 minutes का ड्राइविंग डिस्टेंस है। जो एमजी रोड के जितने भी शॉपिंग मॉल्स हैं वो भी यहाँ से हार्डली 3 to 4 minutes का या 5 minutes का ड्राइविंग डिस्टेंस है। साइबर सिटी यहाँ से 5 to 7 minutes का ड्राइविंग डिस्टेंस है। इट मीन्स दिस प्रॉपर्टी इज लोकेटेड एट डीएलए फेज टू विच इज हार्ट ऑफ द सिटी। एनएचएच एक्सेस यहाँ से बहुत ही आसानी, यानी कि एनएचएच जो है हार्डली 5 to 7 minutes का ड्राइविंग डिस्टेंस है। अब मैं आपको प्रॉपर्टी के बारे में बता रहा हूँ। ये जो प्रॉपर्टी है 500 स्क्वायर 4 BHK सुपर लग्जरी फ्लोर है। इस बिल्डिंग में 2 फ्लोर बिक चुके हैं, अपर ग्राउंड फ्लोर एंड फर्स्ट फ्लोर अवेलेबल है, जिसमें कि आपको 4 BHK 5 वॉशरूम किचन ड्राइंग डाइनिंग बैक एंड फ्रंट बालकोनी विथ सर्वेंट क्वार्टर प्लस 2 to 3 cars की स्टेट लेवल पे डेडिकेटेड पार्किंग आपको मिलेगी। तो प्रॉपर्टी का जो है मैं आपको वीडियो टूर कराता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द मेन एंट्रेंस। पहले मैं आपको पूरी प्रॉपर्टी का वीडियो टूर कराने से पहले मैं आपको लेआउट बता देता हूँ। ये देखिए, ये मेन एंट्रेंस है, दिस इज़ द मेन एंट्रेंस। मेन एंट्रेंस से जैसे हम अंदर आते हैं तो ये आपका ड्राइंग रूम कम लिविंग एरिया है, विच इज़ ह्यूज, काफ़ी स्पेसियस है। और मैं ड्राइंग रूम कम लिविंग एरिया में अभी अवेलेबल खड़ा हूँ। मैं फ्रंट फेसिंग, फ्रंट में आपका जो है ड्राइंग डाइनिंग है, डाइनिंग बैक में है, सॉरी सेंटर में है ड्राइंग रूम एरिया है, एंड फ्रंट में किचन है। ये जो है किचन है फ्रंट में, एंड फ्रंट फेसिंग एक बेडरूम है जो उसके बैक साइड में है, क्योंकि उन्होंने ग्लास की पार्टीशंस की हुई है, वो मैं आपको दिखाऊंगा कि फ्रंट फेसिंग एक बेडरूम है। 3 बेडरूम जो है वो बैक में है, जो बैक बालकोनी से कनेक्टेड है। तो मैं आपको पूरी प्रॉपर्टी दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं मेन एंट्रेंस से दिखाता हूँ। ये लिफ्ट की लैंडिंग एरिया है, सिंडलर की लिफ्ट लगी हुई है, और यहाँ से अगर हम लिफ्ट से बाहर निकलते हैं जैसे, तो ये काफ़ी स्पेसियस जगह है, क्योंकि 500 स्क्वायर यार्ड्स का प्लॉट साइज है तो काफ़ी एम्पल स्पेस है। एंड यहाँ पे जो है लिफ्ट की लॉबी एरिया जो है बेसिकली ये इन्होंने काम कराया हुआ है, वुडन पैनलिंग, साथ में LED का कम्बिनेशन है, एंड लिफ्ट के सराउंडिंग जो बॉर्डरिंग है ये स्टोन वर्क है। इसकी मैं आपको लाइट जला देता हूँ, यहाँ ये थोड़ा सा डार्क नज़र आ रहा है। राइट नाउ, सो दिस इज द मेन एंट्रेंस
जो 8 feet की हाइट है एंट्रेंस की, एंड दिस इज द मेन डोर, जो डिजिटल लॉक गोदरेज की डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक लॉक है, बायोमेट्रिक्स लॉक है, एंड जो मेन डोर की विथ है इट शुड बी अराउंड 3.5 feet की इसकी विथ है दरवाज़ा की, मेन डोर की, इज हैवी क्वालिटी। जैसे मैं इंटर करता हूँ तो सामने इन्होंने जो क्या किया हुआ है कि लिविंग ड्राइंग एरिया को थोड़ा सा बाइकोलेट किया हुआ है, यानी कि ग्लास की स्लाइडिंग डोर्स हैं, मैं आपको वो दिखा दे रहा हूँ। एक तरह से इन्होंने पार्टीशन किया हुआ है यहाँ पे, ये देखिए ये एक है, ये पार्टीशन है अल्मोनियम का प्लस ग्लास की कम्बिनेशन में, और ये देखिए, और इधर जो सामने है ये डाइनिंग हॉल एरिया है, ये डाइनिंग हॉल एरिया है। तो सबसे पहले मैं आपको लिविंग एरिया ड्राइनिंग एरिया दिखाता हूँ, उसके पहले फ्लोरिंग की बात कर लेते हैं। फ्लोरिंग जो है कंप्लीट इटालियन मार्बल फ्लोरिंग है, सारा इटालियन मार्बल फ्लोरिंग है, और सीलिंग फॉल्स सीलिंग जो है सिंपल एंड सोवर फॉल्स सीलिंग है, ज़्यादा हॉश पॉश नहीं है, क्लासी है, सिंपल है, सैंडियर लाइट लगी हुई है यहाँ पे, और ग्लास की इन्होंने पूरा कंप्लीट पार्टीशन किया हुआ है, डेडिकेटेड यानी कि बाइफोर्केट किया हुआ है डाइनिंग एंड ड्राइंग एरिया को। तो ये ह्यूज स्पेसियस ड्राइंग एरिया है, काफ़ी बड़ा है, क्योंकि 500 स्क्वायर यार्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है काफ़ी स्पेस है। ठीक है, आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, इस वॉल पे वॉलपेपर है, एंड सामने जो वॉल पे एंड वुडेन का जो है पैनलिंग किया हुआ है, एंड ये एक जो है कॉलम है, इस कॉलम को जो है इन्होंने ब्यूटीफाई किया हुआ है। नाउ यू कैन सी, जैसा कि मैंने बताया कि डाइनिंग एंड ड्राइंग रूम को बाइकफोर्ट किया हुआ है, मेन एंट्रेंस से भी जो है इसको बाइकफोर्ट किया हुआ है, इसमें डैकिन की कंप्लीट एसी लगी हुई है। लेट मी शो यू फ्रंट बालकोनी, अल्मोनियम का स्लाइडिंग डोर के, स्लाइडिंग डोर्स है अल्मोनियम का, नॉट EPVC। दिस इज द फ्रंट बालकोनी जो काफ़ी स्पेसियस है, एंड DLA फेज 2 जो है बेसिकली इट्स नोन फॉर द लेस ग्रीन। नाउ यू कैन सी लॉट ऑफ ट्रीज आर देयर, काफ़ी सारे ट्रीज हैं, एंड ह्यूज रनिंग बालकोनी है। स्पेस की अगर हम बात करें जो बालकोनी के, इट शुड बी अराउंड 5.5 feet, क्लोज टू 6 feet की या 5.5 feet की इसकी विथ है। कंक्रीट वॉल की रेलिंग विद द कम्बिनेशन ऑफ द ग्लास एंड स्टेनलेस स्टील, दोनों की कम्बिनेशन में बालकोनी का रेलिंग है। दिस इज अ ह्यूज स्पेसियस ड्राइंग रूम एरिया। नाउ लेट मी शो यू द किचन फर्स्ट, विच इज एट द फ्रंट साइड, दिस इज द मेन एंट्रेंस जो मैंने अभी आपको दिखाया था, दिस इज द किचन। किचन जो है बेसिकली इन्होंने डोर दिया हुआ है, नॉट ओपन किचन है, ये जो है किचन के दरवाजा है, एंड ह्यूज स्पेशियस किचन, यू कैन सी काफ़ी बड़ा, काफ़ी अच्छा, ब्यूटीफुल किचन, डिसेंट किचन, ब्रिलियंट वर्क, सिंपल एंड सोवर फॉल सीलिंग किचन का, एंड और किचन की जो फ्लोरिंग है ये कंप्लीट इटालियन मार्बल फ्लोरिंग। ठीक है, यू नाउ कैन सी यहाँ पे भी जो है प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, जो ग्रेनाइट यूज किया हुआ है। किचन के जो जो टाइल है बेसिकली वॉल की, दैट्स ग्रे कलर की, दैट्स सुपर, लुक्स वेरी नाइस, एंड दिस इज द स्पेस फॉर रेफ्रिजरेटर, स्पेसियस है रेफ्रिजरेटर के लिए। दिस इज द पैंट्री, एंड फेवर कंपनी की OTG एंड माइक्रो ओवन।
So this is the lower storage, complete, huge storage capacity. All the kitchen stuff can be stored. Coffee spacious hai. And this is the upper storage. Faber company ki chimney and Caff company ki hob hai, 4 burner ki. और जैसा कि मैंने आपको बताया कि किचन की जो टॉप है यानी कि प्लेटफॉर्म जो है ग्रेनाइट है, सुपर प्रीमियम क्वालिटी की ग्रे कलर की ग्रेनाइट है विद द कम्बिन जो कि किचन की टाइल के साथ, वॉल टाइल के साथ मैच करता होगा. स्पेशियस किचन है, वर्कएबल एरिया जो है काफ़ी अच्छा है. अगर हम दोनों साइड की अगर हम वीट की बात करें, इट शुड बी अराउंड ऑलमोस्ट 8 to 9 feet की जो है इसका वर्कएबल एरिया है किचन की. तो स्पेशियस किचन है, बड़ा किचन है. एंड ये यहाँ पे जो है इन्होंने स्टोरेज दिया हुआ है किचन में फॉर द कॉकरीज एंड ऑल. इसमें LED की लाइट लगी हुई है. Now, moving forward, going to show you the dining hall and then I'll show you the first bedroom. This is the dining hall area. सामने जो है temple बनाया हुआ है. That looks very nice. Beautiful temple. And huge spacious dining hall area, complete Italian marble flooring and simple and sober false ceiling. Moving forward, going to show you the powder washroom and then I'll show you front facing first bedroom. This is the powder washroom. Going to show you the first bedroom, which is at the front. Spacious. This is the master bedroom, I would say. And complete Italian marble flooring. ये जो सामने वॉल पे जो है, इट्स नॉट अ वॉल पेपर, वेरी नाइस एस्थेटिक वर्क, स्टनिंग. अटैच वॉशरूम, ह्यूज स्पेशियस, काफी बड़ा वॉशरूम है. एंड इट हैज क्लोजेट वार्डरोब जो बोथ साइड है. आई विल शो यू. सबसे पहले मैं आपको इसका वॉशरूम दिखाता हूँ, देन आई विल शो यू द वाटर ऑल्सो. नाउ ह्यूज स्पेशियस, काफ़ी बड़ा वॉशरूम है. इटालियन मार्बल फ्लोरिंग है. विट्रा की जो है इसमें फिटिंग्स हैं, ग्रोहे की भी फिटिंग्स हैं.
एंड डेडिकेटेड शावर एरिया विद द ग्लास कम्बे, ग्लास की पार्टीशन, स्लाइडिंग डोर्स, टफन ग्लास की सिटिंग अरेंजमेंट, सिटिंग का जो है यहाँ पे उन्होंने बनाया हुआ है इटालियन मार्बल फ्लोरिंग। ग्रोही की फिटिंग्स विथ द हैंड शावर, विट्रा की वॉश मशीन एंड ह्यूज साइज ऑफ द मिरर। सिंपल सीलिंग, व्हाइट कलर की एलईडी। And this is the closet wardrobe, left hand and right side, both side जो है closet wardrobe है। Let me show you one of them. So huge storage. And this bedroom is connected to the front balcony, which I have shown you, through the aluminium doors, glass doors, aluminium panel की डाइटिंग के एसी लगा हुआ है। रॉयल शाइन पेंट, लाइट कलर की। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, गोइंग टू शो यू द सेकेंड बेडरूम। Huge dining hall, four BHK, five washroom, 500 square yards, available at very attractive rate. This is second bedroom, huge, spacious, काफी बड़ा bedroom है। एंड वीडियो जो मैं शूट कर रहा हूँ, थोड़ा इवनिंग के टाइम में शूट कर रहा हूँ, तो नेचुरल लाइट नहीं है, क्योंकि आज की डेट में ऐसे भी जो है सनलाइट नहीं आ रही है, धूप नहीं है, जो वेदर जो है ऐसा है। बट ऑल दिस बेडरूम एंड प्रॉपर्टी हैज ह्यूज अमाउंट ऑफ द सनलाइट एंड नेचुरल लाइट। स्लाइडिंग डोर्स विंडो, स्लाइडिंग विंडो है। Italian marble flooring, attached washroom, closet wardrobe, both side, डबल डोर्स, यानी कि सिंपल पैनल्स के आपके दोनों साइड में वार्डरोब है। एज फार एज वार्डरोब, क्लोजेट वार्डरोब इज कंसर्न, स्टोरेज इज कंसर्न, इट हैज ह्यूज एम्पल स्टोरेज। एंड दिस इज अटैच वॉशरूम, वाइट कलर की जो है टाइल्स की जो है काम किया हुआ है, दैट्स वेरी नाइस। विट्रा की जो है लग्जरी कलेक्शन वॉश मशीन,
डेडिकेटेड शावर एरिया, ग्रोहे की फिटिंग्स, स्लाइडिंग डोर्स, ग्लास की शावर एरिया विच मेक्स सेपरेट फ्रॉम द वॉशरूम, and this bedroom is connected to the back balcony also. I forgot to show you. See, this is the back balcony. So all the bedroom is having access to the back balcony. Teen bedroom jo hai back side mein. This is the rear balcony. Huge, spacious. So watch the video till end. Unless and until you watch entire video, you won't be able to understand exactly. You won't get the complete idea. आप पूरी वीडियो देखिए, तभी आपको क्लियरिटी होगी, ओवरऑल ओवरव्यू आइडिया मिलेगा प्रॉपर्टी के बारे में. दिस इज द थर्ड बेडरूम, ह्यूज स्पेसियस, कंप्लीट इटालियन मार्बल फ्लोरिंग, सिंपल सीलिंग. सो इस पर्टिकुलर वॉल पे जो डिजाइनिंग है, दैट लुक्स वेरी नाइस. Lot of thoughts have been given into detailing and passion के साथ tastefully done up. काफी अच्छा काम कराया हुआ है. And attached washroom. राउंड शेप में मिरर एंड ह्यूज स्पेशियस वॉशरूम. The hand shower, dedicated shower area, this is the closet wardrobe of this bedroom. Let me show you. Now double doors के जो हैं basically दो दिए हुए हैं. So each and every bedroom has lot of storage. Now moving forward, going to show you the fourth bedroom
एंड जैसा कि एज ए मेंशन अर्लियर कि डाइनिंग हॉल एंड ड्राइनिंग को जो बाइफर्केट किया हुआ है विद द ग्लास कम पार्टीशंस, नाउ यू कैन सी दिस एंड दैट्स द मेन एंट्रेंस. The temple area which I have shown you, बहुत ही खूबसूरत लग रही है temple. सामने अटैच वॉशरूम है इस बेडरूम का. फिर सोई तो बेडरूम फर्स्ट एंड दिस इज ह्यूज स्पेसियस फोर्थ बेडरूम. सामने वॉल पे वुडन पैनलिंग किया हुआ है एंड अगेन आई सेड इटालियन मार्बल फ्लोरिंग. सो ईच एंड एवरी बेडरूम में इटालियन मार्बल फ्लोरिंग है. इनफैक्ट आई वुड से कि कंप्लीट प्रॉपर्टी में इटालियन मार्बल फ्लोरिंग है. कहीं पे भी वुडन फ्लोरिंग नहीं है, कहीं पे टाइल नहीं है, इटालियन मार्बल फ्लोरिंग है. एंड दिस बेडरूम इज कनेक्टेड टू द रियर बालकोनी. सो नेचुरल लाइट जो है काफ़ी अच्छा है. नाउ एंड दिस इज द क्लोजेट वार्डरोब. स्लाइडिंग लॉट ऑफ स्टोरेज ईच एंड एवरी बेडरूम. हर बेडरूम में जो है काफी स्टोरेज है. अटैच वॉशरूम, अगेन इटालियन मार्बल फ्लोरिंग इन दिस बेडरूम, सॉरी इन दिस वॉशरूम. जब मैं मिरर के सामने आता हूँ तो प्लीज़ एटलीस्ट एक लाइक और एक सब्सक्रिप्शन तो बनती ही है. अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. ब्यूटीफुल वॉशरूम, डेडिकेटेड शावर एरिया. ग्रोए की फिटिंग्स, Italian marble pouring in the washroom. So guys, if you like this video, just subscribe my channel, share with your friends and family, and do watch entire video. अगर आपको property समझ में आती है, video समझ में आती है, तो आप please call कीजिए मुझे. And I'll show you the properties and I will try my level best to get it done at the best possible rate. This is the steel level. And इस पर्टिकुलर बिल्डिंग में बेसमेंट भी है
बेसमेंट की जो एग्जिस्ट है वो बाहर से भी है और स्टील लेवल से भी है। ह्यूज स्टील लेवल पार्किंग एरिया, यू विल गेट एटलीस्ट 3-4 कार पार्किंग, एक्सक्लूसिव कार पार्किंग मिलेगी, एक्सक्लूसिव गेट मिलेगी। ₹500 square प्लॉट साइज, 4 BHK सुपर लग्जरी बिल्डर फ्लोर एंड यू विल गेट सर्वेंट क्वार्टर ऑल्सो। दिस इज द लिफ्ट लॉबी एरिया, यहाँ पे इन्होंने एक अल्मीनियम पैनल एंड ग्लास कॉम्बिनेशन के साथ में डोर दिया हुआ है एट द स्टील लेवल एंड दिस इज द सिलेंडर की लिफ्ट लगी हुई है। स्पेशियस काफी बड़ा लिफ्ट लॉबी एरिया है। एंड ये देखिए बेसमेंट में जो है स्टेयर जा रही है एंड ये ऊपर जो है आपका फ्लोर्स पे जा रही है। Thanks a lot. Thanks for watching. Bye. Take care. Stay safe.